वेलकम बैक टू अवर चैनल द फैमिली वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पहले से बहुत बेटर हूँ। सो आज फिफ्थ डे है फॉर 7 days 7 roti चैलेंज का। सो आई होप आपको मेरी पीछे वीडियोस अच्छी लग रही हों। 4 videos जो हमने रागी ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, इन सब की रोटी बनाई है। तो आज हम बना रहे हैं रागी की रोटी। तो रागी की रोटी इज स्पेशली फॉर दी वुमेन्स जिनकी कैल्शियम की कमी होती है, और बच्चों के लिए रागी, मतलब इससे ना आपको जॉइंट पेन्स होने बंद हो जाएंगे। और हमने इनफैक्ट अपनी लाइफ में ना रागी को डाल के, रागी आटे को लेके ना बहुत चेंजेस देखे हैं। मतलब जो क्रैम्प्स पड़ते हैं ना पैरों में, आपके स्टमक में, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा उससे, और आपका कैल्शियम लेवल भी बढ़ेगा रागी से। बच्चों को भी दिया जाता है क्योंकि बच्चों की बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो महाराष्ट्र में तो बहुत यूज़ होती है ये रागी, और कहाँ कहाँ यूज़ होती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। आई होप आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों। सो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अभी जाके वीडियो बनने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स गेट सेट गो फॉर दी रागी रोटी। रागी की रोटी बनाने के लिए हम पानी को बॉईल करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे हम। यहाँ पे वाटर में बॉईल आ गया है, पानी में मैंने ऑलमोस्ट 1 कटोरी आटा डाल दिया। इसको भी बॉईल आने देंगे थोड़ा सा और फिर ढक के रख देंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे मैंने गैस को भी बंद कर दिया और इसको ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट करने देंगे, फिर हम इसको गूंदेंगे, नीडिंग करेंगे इसकी। ये मैंने 5 मिनट्स बाद खोल के देखा है, मैं बस इसको मिक्स कर दूंगी गर्म पानी के साथ, इससे ज्यादा इसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए ठंडा भी हो गया होगा नीडिंग के लायक, क्योंकि बहुत गर्म था। इसको हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे में, थोड़ा सा गर्म गर्म नीड कर लेते हैं। इसका अरोमा ना रागी का मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा अरोमा आ रहा है इसका। ये रागी इज इन हाई इन कैल्शियम, बहुत अच्छी होती है बच्चों को देने के लिए। बट ये थोड़ा सा गर्म होता है आटा, तो आप 2 ही रोटी वीक में, एटलीस्ट 3 से 4 रोटी लीजिए ज्यादा से ज्यादा, वीक में बता रही हूँ मैं, नॉट दिन की, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है ये आटा। बट हाई इन कैल्शियम, आप किसी के घुटनों में दर्द है, कैल्शियम की कमी है, क्रैम्प्स पड़ते हैं आपको पैर में, स्टमक में, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये आटा। हमारे घर में बहुत यूज होता है, हम लोग चाहे वीट में खा रहे हो तो वीट में मिक्स करके खा लेते हैं, बट आजकल रागी ज्वार मिल्स का आटा चल रहा है तो हम उसमें मिक्स करके ले लेते हैं। अलग से भी मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। देखिए हम इसकी अच्छे से नीडिंग करेंगे। देखिए हमारी ऑलमोस्ट नीडिंग हो गई है, थोड़ा सा घी ले सकते हैं, अच्छे से नीडिंग हो जाएगी। और जितनी अच्छी नीडिंग होती है ना इसकी, जितना अच्छा आप इसको आटे को गूंदेंगे, कोई भी आटा हो, जितनी अच्छी हम नीडिंग करते हैं उतनी अच्छी हमारी रोटी मिलती है। और ट्राई करिए यहां से गूंदने की, देख सकते हैं थोड़े से भी चम्स नहीं है हमारी बरात पे। देखिए मैंने गोल कर लिया आटा, इसको हम रागी वाले सूखे आटे में ही डिप करेंगे। सूखा आटा इससे अच्छे से रोल कर लेंगे इसको। ये देखिए अब हम इसको बेलते हैं। ये देखिए कैसे बिल रही है हमारी रोटी, बिल्कुल नहीं टूटेगी ऐसे बनाएंगे तो आप। ये देखिए मैंने रोटी बेल लिया, अब हम इसको तवे पे डालते हैं। ये देखिए मैं तवे पे डालती हूँ रोटी को,
तवा मेक श्योर आपका गर्म होना चाहिए। देखिए एक साइड से सिक गई है, मैंने फ्लिप करा है इसको। देखिए फ्लिप करने के बाद कितना अच्छा रंग आया है इसपे। अब हम इसको सेकेंगे थोड़ी सी। दूसरी साइड से सिक जाए ये। देखिए हमारी रोटी बनके तैयार है, कैसे फूल रही है ये रोटी। पास से मैं आपको दिखाती हूँ जरूर। देखिए अब मैं ये दूसरी रोटी भी डाल रही हूँ यहाँ पे। दूसरी रोटी सेकेंगे। मेरी बेटी को हार्ट शेप चाहिए थी तो मैंने हार्ट शेप बना दी। दूसरी साइड से सीख गई है ये। यहां से फ्लिप करेंगे। ये देखिए अपने आप रोटी फूल रही है, मैं कुछ नहीं करा मैंने इसका। सी बहुत अच्छे से फूल रही है ये। अब बस इसको साइड साइड से लाइट लाइट प्रेस कर देंगे। बनी है ना वीट की तरह रोटी, बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट्स हैं ये, मिल्स और हेल्दी भी है। एक आपकी दिन की एक या दो रोटी बहुत अच्छी हो जाती है, खासकर विंटर में तो आप लीजिए जरूर। देखिए ये मेरे छोटे से बच्चे ने नहीं है तो भी फूल रही है ये। इसमें कोई भी वीट नहीं है, आपने देखा मैंने सिर्फ रागी का आटा ही मिलाया, सिर्फ। नाचनी भी बोलते हैं रागी को कुछ लोग, महाराष्ट्र में ज्यादातर नाचनी बोलते हैं। देखिए हमारी थाली तैयार। मैंने गुड़ रख दिया है, स्पून, छोले एंड रागी की रोटी। देखिए सुपर सॉफ्ट, कैसे भी मोड़ लीजिए नहीं टूटेगी आपकी रागी की रोटी। खाने में भी टेस्टी, न्यूट्रिशन फुल, हाई इन कैल्शियम। आई होप आपको रोटी की प्रिपरेशन अच्छी लगी हो रागी की। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल द फैमिली वर्ल्ड। सी यू सून, बाय।